मछलापुर नामक एक गांव था जहां रोहित अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहा था। उसके परिवार में उसकी माँ प्रभा, बहन सौम्या और बड़ा भाई राकेश और भाभी नीता थी। रोहित पेशे से किसानी करता था। वह कम पढ़ा लिखा भी था, पर उसका भाई राकेश, उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। इसी बात का उसे घमंड था। वह घमंड उसकी पत्नी में भी था। रोहित अपने खेत में हल चलाकर तपती गर्मी में घर आया ही था कि रोटी बनाते हुए भाभी से कहता है, भाभी मैं घर आ गया, आज बहुत गर्मी थी, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। और खाने में क्या बनाया है? देवर जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, तो पानी आप खुद पी लीजिए। और खाना मैंने आपके लिए बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ राकेश जी और माँ जी का ही खाना बनाया है। बाकी आप अपनी बहन का भी खुद बना लेना, मुझे और भी काम है। जब देखो भाभी भाभी करके नौकर बनाने का काम करवाता है। जी भाभी। थका हारा खेत से घर आकर रोहित पानी पीकर खुद चूल्हे पर टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाता है तो उसकी बहन कहती है, अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो, मैं बना देती हूँ खाना, आप वैसे भी थक चुके हो। वैसे भैया भाभी इतनी बेरुखी क्यों करती हैं हमसे, घर के काम में भी हाथ भी नहीं बटाती, सिर्फ अपना काम करती हैं। कोई बात नहीं सौम्या, हम छोटे हैं। तभी सौम्या रोटी बनाकर अपने भाई को खिला देती है, जहाँ भाई भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। और घर की बड़ी बहू घमंडी होने के कारण आलसी भी थी, उसे किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने पति से मतलब रखती थी। कभी कभी तो सौम्या रोहित को वो यूं ही सुना दिया करती थी। साथ ही घर में पैसों की बहुत कमी थी, जहाँ बड़ा बेटा अच्छा पैसा कमाता था और किसी को भी नहीं देता था, पर छोटा बेटा अपने खेत में जो भी उगाता उसे बेचकर अपनी माँ बहन का खर्चा चलाता था। पर एक दिन उसके खेत की सब्जी के पेड़ पौधे सब खराब हो गए, यहाँ तक कि पसंदीदा बैगन भी। ये देखकर रोहित अपनी माँ की गोद में सर रख कर कहता है, माँ मैंने इतनी मेहनत करी थी, इसके बावजूद मेरे खेत में सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या होगा? चिंता मत कर बेटा, तेरा बड़े भाई पैसे वाला है, उससे पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि बड़े भैया पैसे देंगे, पर एक बार कहकर जरूर देखूंगा। आखिर सौम्या की शादी का खर्चा भी तो मेरे कंधों पर है, क्योंकि भाई ने पहले ही इनकार कर दिया। ये बोलकर रोहित अपने बड़े भाई राकेश के पास जाकर पैसे मांगता है। तभी वह तेवर दिखाकर कहता है, क्या बोला तुमने, मैं तुम्हें तुम्हारे खेत में उन पेड़ पौधों के लिए पैसे दूं? बिल्कुल नहीं। देखा, अगर आज तुम मेरी तरह पढ़ लेता तो गवार नहीं होता। खैर मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, और मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं अब तुम जैसे गंवार लोगों के साथ। मैं और मेरी पत्नी शहर में रहकर शहर के तौर तरीके से जिएंगे। भैया आप जा रहे हैं, आप जानते हैं माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता, सब तुम ही करो, मैं तो चला। अगले दो दिन में ही राकेश अपना सामान बांध कर पत्नी के साथ शहर की ओर रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी ओर घर के खर्चे, माँ की दवाई, बहन की शादी को लेकर रोहित के मन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि कमाई का जरिया ठप हो गया था। वह दूसरी जगह काम भी करता है तो लोगों से काफी कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। अपनी माँ बहन के पेट को पालने के लिए वह लोगों की सुनता है, फिर एक बार काम से निकाल दिया जाता है। ऐसे में परेशान होकर वह अपने उजड़े हुए खेत में जाता है, जहाँ उसके सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो रखे थे। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, न मेरी नौकरी रही, अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? उसके रोते हुए आंसू जमीन पर पड़ रहे थे, तभी जमीन से दो जड़ निकलती हैं। एक बड़े से पेड़ का रूप ले लेती है, जो कि बैंगन का पेड़ होता है,
दूसरी जड़ रोहित के पैर को पकड़ लेती है। तभी रोहित का ध्यान जाता है। ये क्या, मेरे पैर में ये जड़ कैसे बन गई? अरे अरे अरे, इसकी जड़ तो कहीं जा रही है, जरा देखता हूँ मैं। अपने पैरों में से वो जैसे जैसे जड़ निकालता है और धीरे धीरे उस जड़ की पहुंच तक पहुंचता है, तो सामने देखता है कि उसके खेत में एक बड़े से बैंगन का पेड़ है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे मेरे खेत में सब कुछ उजड़ गया था, ये इतना बड़ा पेड़ कैसे आया, और इस पर तो बहुत सारे बैंगन भी हैं। रोहित चमचमाते बैंगन को देखकर दो बैंगन तोड़ता है, जिसके तोड़ते ही वहाँ दो नए बैंगन आ जाते हैं, और अचंभित होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या बैंगन तोड़ने के बाद दोबारा बैंगन आ गए, कहीं ये जादुई बैंगन का पेड़ तो नहीं है? तभी जादुई बैंगन पेड़ खुशी से झूम कर कहता है,